हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज है होली, होली की आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। और मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं दोस्तों, खजूरी पुस्ता स्टार्ट हो चुका है। अब ये पापी पुस्ता चलने लगा, तो देख सकते हो जैसे ही हम खजूरी को क्रॉस करने के बाद में, जब हम विजय विहार और ये आपका वजीराबाद की साइड चलेंगे, और तभी देख सकते हो यहाँ पर ये सारे पिलर खड़े कर दिए हैं। फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, बस इन पर रिंग लगाए जाने हैं। और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों। और जो जगह है ये है दोस्तों, इसे पापी पुस्ता बोला जाता है। तो देख सकते हो सारा रोड तो ताड़ के और इन सारे पिलर खड़े कर दिए हैं दोस्तों। पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हुई हो चुका है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये ग्राउंड लेवल पर आता चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि आगे फिर ये ग्राउंड लेवल पर ही रहने वाला है। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि लास्ट पिलर कौन सा है, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। और जो यहाँ कंपनी वर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन। और देख सकते हो ये सारे पिलर आप छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे रैंप बनाया जाएगा पापी पुस्ते पाई, क्योंकि पापी पुस्ते पाई ही 12 लेन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो लास्ट पिलर आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल कर, तो आप बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। तो आप जिधर भी आप नज़र उठा के देखेंगे ना, आप लोगों को यही वर्क इस पापी पुस्ते पर दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये स्लो डाउन रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से। और देख सकते हो जो लास्ट पिलर है ना दोस्तों, देखो इस पर क्या किया जा रहा, वहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, देख सकते हो ये लास्ट पिलर हो चुका है। और ये लास्ट पिलर के बाद में फिर ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि यहाँ पर किस तरीके से ये रोड को आधा तोड़ने के बाद में, और फिर इस पर ये सर्विस लाइन बना दी है ताकि लोकल ट्रैफिक इस पर चल सके। और बीच वाली लाइन अब तोड़ी जाएंगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये साइडों में आप लोगों को दिखा रहा है ना, यहाँ पर ये रैंप की साइड वॉल लगाई जाएंगी, जब इसको ऊपर मेन जो हाईवे की 3 लेन रहेंगी वो बनाई जाएंगी दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हो चारों तरफ आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा इस पापी पुस्ते पर। ये जो दीवार चमक रही है तोड़ दी जाएगी दोस्तों, और तोड़ देने के बाद में फिर इस पर यह रैंप की बेल दीवार उठाई जानी है दोस्तों। देख लो आप लोग कि यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड डाल दिए जा चुके हैं सारे में, यही वर्क चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को।
ये देखो ये बना दिया जा चुका है सर्विस लाइन, और इसको अब तोड़ दिया जाएगा जल्दी, इसको तोड़ा जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये लेन बनाई गई है। अब वो ड्रेनेज सिस्टम बना दिया इन्होंने, जेसीबी यहाँ पर ये लगी हुई है, और इसको भी बराबर किया जाएगा। अभी तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, दूसरी साइड का ये देख सकते हो पापी पुस्ता, यहाँ पर भी ये रोड बना दिया इन्होंने पब्लिक को निकलने के लिए, क्योंकि अब ये तोड़ा जाएगा। और तोड़ने के बाद में फिर इस पर आपको बता दूँ कि रैंप बनाए जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो कि दोनों साइड में, और ये यहाँ पर सेफ्टी बोर्ड लगा दिए हैं ताकि पब्लिक जा सके। अब ये ऊपर वाली लेन बंद कर दी जाएगी, नीचे के लिए ट्रैफिक खोल दिया जाएगा जल्द ही दोस्तों। तो चलते हैं आगे दोस्तों, आज सभी को आज देखने के लिए मिलेगा पापी पुस्ता पर कितना काम हो चुका है। और देख सकते हो हम अभी खड़े हुए हैं रैपिड फोर्स स्टेशन के सामने, ये देख सकते हो, और ये आता है वजीराबाद में। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि पापी पुस्ता पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं नीचे उतर के आपको कि वहाँ पर कितना कुछ काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आप सभी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी दोनों साइड में ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए ऊपर का, क्योंकि आधा आधा रोड तोड़ चुके हैं ताकि इसमें सर्विस लेन पहले ही बना रहे हैं, और फिर बाद में जो मेन एक्सप्रेसवे के लेन होंगी उनको बाद में बनाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि इन पर आपको बता दूं कि जो रैंप के बाल होते हैं ना उसी तरीके से ये बनाया जाएंगे, और फिर उसके बाद में इस पर एक्सप्रेसवे की लाइन बिछाई जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सर्विस लाइन बना दी है, और मेरे लेफ्ट हैंड पर इसमें आपको बता दो ड्रेनेज सिस्टम भी बन चुका है, और मेरे राइट हैंड पर देख सकते हो यहाँ पर ये इस पर बाल लगाई जाएंगी, जैसे ही किस्में रैंप के अंदर लगाई जाती हैं ना बाल, वैसे ही यहाँ पर ये लगाई जाएंगी ये ऑटो के साइड में राइट हैंड पे, और फिर उसमें मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर ऊंचा किया जाएगा। तो ये लोकल ट्रैफिक के लिए लेन रहेगी जो बनाई गई है अभी रिसेंटली में ही दोस्तों, इस पापी पुस्ते पर दिल्ली जो बना रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, उस वहाँ का नज़ारा है दोस्तों देख सकते हो। और ये वजीराबाद विजयनगर का विजय बिहार का एरिया है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है गवार कंस्ट्रक्शन, उसी के द्वारा इस रोड को कायाकल्प किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि पहले ये पुस्ता हुआ करता था, फिर ये सिंगल बना, और अब जाके ये 12 लेन का एक्सप्रेस वे बन जाएगा दोस्तों। देखते ही देखते आने वाले टाइम में पता भी नहीं चलेगा कि इधर का एरिया किस तरीके से बदला गया है दोस्तों। तो आप लोग इन्जॉय करो। जैसा कि इस एरिया में देख सकते हो ये रैंप बना दिया है ना, और रैंप बना के फिर इसमें मिट्टी डालने का काम चल रहा है, फिर इसमें रूरी बजरी की लेयर डाली जाएगी, उसके बाद में इसका ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ यही है पापी पुस्ते के नज़ारे। तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा।
दोस्तों ये देख सकते हो वो वहाँ पर उन्होंने वो लगा दिया है, दीवार बना दी है, मैंने कि बैल फाउंडेशन बैल बना दिया है, देख सकते हो उधर। और अब इसमें मिट्टी डालने का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ में। दोस्तों ये देख सकते हैं तस्वीरें, जो आधे के दोनों साइडों में ही इन्होंने आधा आधा रोड बना दिया है। और देख सकते हो कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ये काम चल रहा है यहाँ पर, रोड रोलर भी चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो। और उधर ये मशीन है, देखो किस तरीके से ये इसको मिट्टी को एक सार कर रही है, वो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। जेसीबी भी है और एक सार करने वाली मशीन भी है दोस्तों। और ये रोड रोलर इसको मिट्टी को दबाता चला जा रहा है तेज़ी के साथ में, ये देख सकते हो। वो छोटा रोड रोलर है और ये बड़ा रोड रोलर है। तो देख सकते हो ये पहले साइडों में ही दबाई जा रही है मिट्टी, पहले ये साइडों में ही दबाई जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये रैंप बना दिया है इन्होंने, रैंप को ऊंचा करते हैं, करते चले जा रहे हैं तेज़ी के साथ में दोस्तों, क्योंकि ये इसके लेवल में लाया जाएगा। ठीक है, थ्री लाइन इस साइड में रहेंगी, थ्री लाइन उस साइड में रहेंगी। और ये देख सकते हो ये आम पब्लिक के लिए रहेगा। तस्वीरें देख सकते हो, ये बाबा काम कर रहे हैं यहाँ पर, बाबा काम कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो रोड रोलर भी चल रहा है यहाँ पे,
और देखो वो मिट्टी भी डाली जा रही है ट्रक से, ये मशीन भी एक सार कर रही है, यही वर्क चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में दोस्तों। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर तेज़ी के साथ में वर्क किया जा रहा है। और देख सकते हो जो साइड का साइड वाल हैं दोस्तों, वो देख सकते हो वो क्रेन मशीन से लगाए जा रहे हैं इसमें, और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था दोस्तों, ठीक है। तो देखो यही काम चल रहा है अभी तक, जो कि बहुत तेज़ी के साथ में इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दोस्तों। और ये है दोस्तों पावी पुश्ता, अब पावी पुश्ते पर नज़ारे आप लोग देख सकते हो क्या, ये ट्रक से मिट्टी उतारी गई है और वो देख सकते हो किस तरीके से ये एक सार मिट्टी को कर रहे हैं, और उधर वो जेसीबी उधर मिट्टी फैला रहा है। तो दिखाते हैं चल के आगे आप लोगों को, आओ देखो कुछ यही काम चल रहा है यहाँ पर मिट्टी को फैलाने का दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लगे है तो अच्छा लगे तो केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो हमारी वीडियोस को ताकि और भी लोग देख सकें। और चैनल को आप लोगों ने पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया आप लोगों ने तो। देखो आप लोग ये ग्राउंड लेवल की मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ, ये ग्राउंड लेवल की तस्वीरें हैं देखो दोस्तों, ये रोड रोलर देखो मिट्टी को दबा रहा है, ये बाइक का मिट्टी को फैला रहे हैं, देखो किस तरीके से मिट्टी को फैला रहे हैं, और वो देखो वो भाई साहब ला रहे हैं मिट्टी को यहाँ पर फैला रहे हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। देखो किस तरीके से ये भाई साहब मिट्टी को फैला रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ये फैलाते हैं, और इसी को बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, देखो ये उठाते चले जाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से मिट्टी को फैला रहे हैं। और वो भाई साहब देखो कैसे मिट्टी को नीचे की साइड में ढकेल रहे हैं, और ये भाई साहब देखो मिट्टी को दबा रहे हैं, मिट्टी को दबाते चले जा रहे हैं, दो भाई साहब इसको फैलाते चले जा रहे हैं, सीन देख सकते हो आप लोग। यह है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़ारे दोस्तों पावी पुश्ते के, जो कि बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ वर्क चल रहा है दोस्तों, और मिट्टी कहाँ तक इन्होंने फैला दी है वो आप लोग देख पाएंगे इस वीडियो में। देखो कितने नीचे पे है भाई साहब, और मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है दोस्तों, तो इस तरीके से मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देखो कि इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के बीच में ये अपडेट देता हूँ दोस्तों, है? और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, भैया सब्सक्राइब करने में क्या जाता, पैसा तो लगता नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर भी कर दिया करो हो सके तो। इतनी इतनी मेहनत आप लोग कर सकते हो, जब मैं इतनी मेहनत आप लोगों को जगह जगह जा जा कर आप लोगों को कर सकता हूँ मैं, तो आप लोगों को क्या करना दोस्तों, वीडियो को बस लाइक शेयर ही तो करना है। तो देख सकते हो नज़ारे आप लोग, ये पावी पुश्ते के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नज़ारे हैं दोस्तों। देखो ये ग्राउंड लेवल पर रहने वाला है दोस्तों, और ये सन 2024 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तेज़ी के साथ में दिन रात यहाँ पर वर्क चल रहा है इस टाइम पर। उधर भी देखो मिट्टी फैलाने का काम चल रहा है, तो चौड़ा किया जा रहा है, ये जो अभी जिस पर मैं चल रहा हूँ ये सारा ख़त्म कर दिया जाएगा, तो तोड़ दिया जाएगा दोस्तों, और ये नई तरीके से नया बन जाएगा दोस्तों, तो उसकी भी तस्वीरें आप लोग देख लो, और अभी इस पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें देख लो आप लोग किस तरीके से इसको
चेंज किया जा रहा है, जो आने वाले टाइम में आप लोगों को फिर ऐसा नहीं दिखेगा दोस्तों, कुछ अलग ही चमकेगा ये। तो ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशखबरी है दोस्तों, काफ़ी उन्होंने दिक्कतों का सामना करा है और इसी वजह से ये देखो यहाँ विजय विहार के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।